Assalamu alaikum students. I hope you are all fine at home. Stay at home, stay healthy. Take care of yourself and also your parents. Let's start our work for this week. Today we are going to do unit number 17, Furry Bears. At page number 87, it's A part. We will do first question, comprehension. Find the words in the list that mean the opposite of those in the table. आपने वो words ढूंढने हैं जो opposites हैं और वो ऊपर दिए भी गए हैं. Opposite words ऊपर दे दिए गए हैं. आपने उसमें search करना है, उसको ढूंढना है और उसके बराबर word के लगाना है. So first word is backward and the opposite of the backward is forward. Next is multiply, divide. Then now, funny, serious, repair, damage, stop, go, first, last, gentleman, lady, early, late, complete. Now students, it's time to do next activity, vocabulary, B part. Find the words in first and second using the clues. Put them together to make a real compound words. आपने पहले word find करना है जो number one and number two activity में clues दे दिए गए हैं आपको. वहाँ से आपने word सोचना है और उन दोनों words को मिलाकर एक compound word बनाना है. First is the color of grass. Absolutely it's green. You might live in one. यानी जहाँ पे आप रहते हैं. It's house. ग्रीन हाउस, यानी ग्रीन और हाउस को मिलाकर एक नया कंपाउंड वर्ड बन गया और ग्रीन हाउस इज अ न्यू वर्ड. ड्रॉप्स फ्रॉम अबव, वियर वन आउटसाइड. ड्रॉप्स मे बी इट्स रेन एंड वियर वन आउटसाइड, जो हम बाहर जाते हुए पहनते हैं, इट्स कोट एंड द वर्ड मे बी रेन कोट. ओके एंड द नेक्स्ट इज यू कैन सी वन इन द नाइट स्काई. रात के दौरान, रात के टाइम जो आप देख सकते हैं, इट्स स्टार्स एंड दे यूज गिल्स टू ब्रीथ. और सांस लेने के लिए गिल्स का इस्तेमाल करते हैं. वो क्या चीज होती है? फिश. एंड द कंपाउंड वर्ड बिकम स्टार फिश. इट ग्रोज ऑन योर हेड, या आपके सर पे होते हैं. इट्स हेयर. यू डू दिस विद द सीजर्स, और जो आप सीजर्स के साथ करते हो, कट, हेयर कट. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डू अनदर एक्टिविटी. इट्स सी पार्ट, वर्ड स्ट्रक्चर. Change one letter to make a new word at each step until you reach the target word. Start by changing highlighted letter. Word structure है ये आपका. आपने एक एक letter change करना है word में और उससे एक नया word बनाना है. लेकिन आपने जो highlight हुआ हुआ word है उससे नया, उसको change करना है. सबसे पहले आप देखिए list word जो आपको दिया गया है, list, इसमें I highlight हुआ हुआ है. आपने जस्ट आई की पोजीशन चेंज करनी है. जब आप आई की पोजीशन चेंज करते हैं और वहां ओ लगा दे तो बन जाता है लॉस्ट. लिस्ट इज कन्वर्टेड इनटू लॉस्ट. लॉस्ट में फिर आपने सिर्फ एक ही लेटर चेंज करना है. जैसे आपने एल को चेंज किया सी से तो वो बन गया कॉस्ट. और एंड में देखिए सिर्फ एक लेटर हम एस चेंज करेंगे, उसकी जगह ए लगाएंगे तो वो बन जाएगा कोट. तो आपके लिए ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपने सिर्फ एक ही लेटर एक वर्ड में चेंज करना है, ज्यादा नहीं कर सकते. जी नेक्स्ट चलते हैं आगे. नंबर टू पे है मेक. मेक इज कन्वर्टेड इन टू वेक एंड वेयर एंड द लास्ट इज वोर. समझ आ गई है स्टूडेंट्स आपको? इसी तरह से आपने आगे चेंज करना है फास्ट, जिसमें एफ इज हाईलाइटेड वर्ड. हमने फास्ट की एफ की जगह चेंज किया पास्ट. और उसके बाद आप फ्री हैं, आप खुद अपनी मर्जी से आगे सिर्फ एक लेटर चेंज कर सकते हैं. जैसे मैंने कर दिया है ए की जगह ओ तो पोस्ट बन गया. और इसी तरह से अगर यहाँ पर टी की हटा के ए लगा दें तो बन जाएगा पोज. द नेक्स्ट वर्ड इज लून. इसमें एन हाईलाइट है, आपने सिर्फ एन की पोजिशन चेंज कर सकते हैं. लून बन जाएगा लूट. टी लगाने से लूट बन जाएगा. अब हमने दोबारा चेंज जब इसके अंदर करना है, डबल ओ की जगह हम एक ओ को हटा के एस लगाएंगे. लूट इज कन्वर्टेड इनटू लॉस्ट. और लॉस्ट में एंड दोबारा देखिए ओ की जगह ए लगाया हुआ है और वो लास्ट बन गया. द नेक्स्ट इज सॉक्स. इसमें ओ वर्ड हाईलाइट है, ओ की पोजीशन हम हटाएंगे और उसकी जगह ए डालेंगे, वो बन जाएगा सैक्स. और नेक्स्ट जब हम इसके अंदर चेंज करेंगे, इसकी जगह आर लगाएंगे, वो बन जाएगा रैक्स.
और लास्ट में है रेसिस, यानी के की पोजीशन हटा के ई लगा दिया गया है और वो बन गया है रेसिस। नाउ स्टूडेंट लेट्स डू अनदर एक्टिविटी। इट्स डी पार्ट डिस्क्रिप्टर्स। चूज टू एडजेक्टिव्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट ई सेंटेंस। आपने कम से कम दो एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करने हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। एडजेक्टिव्स होता क्या है? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच डिस्क्राइब नाउन। जो नाउन को डिस्क्राइब करता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी कि वो नाउन के बारे में हमें मजीद बताता है। जैसे कि फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, पोलर बियर्स आर यूजुअली फाउंड इन द डैश पोल, इन द नॉर्थ पोल, एंड मोस्ट बियर्स हैव डैश आईज एंड डैश फीट, स्मॉल आईज एंड फ्लैट फीट। यानी फ्लैट और स्मॉल ये एडजेक्टिव है उस फीट की और उस आईज की जो यहाँ पे एज अ नाउन दिया गया है। नेक्स्ट इज मैनी बियर्स स्पेंड द लॉन्ग एंड आइसी विंटर हाइबरनेटिंग। लंबे सर्दियों के हाइबरनेटिंग के दौरान बहुत से जो बियर्स हैं वो टाइम स्पेंड करते हैं, और वो विंटर कैसा होता है? वो लॉन्ग होता है और आइसी होता है। यानी विंटर इज अ नाउन। आप नाउन के बारे में मजीद क्या बात कर रहे हैं कि वो विंटर लॉन्ग होता है और आइसी होता है। जी द नेक्स्ट इज द बियर इज अ डैश एंड डैश एनिमल ऑफन मोर देन 3 meters टॉल, लार्ज एंड फरी। जो बियर्स हैं वो लंबे बड़े और फरी होते हैं, यानी कि बालों वाले होते हैं, जानवर होते हैं जो 3 meter लंबे होते हैं। द डैश बियर वॉन्डर्ड थ्रू द डैश आर्टिक, द लोनली बियर वॉन्डर्ड थ्रू द फ्रोजन आर्टिक। नाउ स्टूडेंट्स इट्स टीजर टाइम। ई पार्ट इज योर होमवर्क। अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पर जो वर्ड दे दिए गए हैं आप उनको अनस्क्रैम्बल करना है और उससे एक न्यू वर्ड, जिसके लिए उन्होंने आपको क्लू भी दे दिया गया है, उससे एक वर्ड बनाना है। दिस इज योर होमवर्क। नाउ इट्स होमवर्क टाइम। लर्न एंड राइट ऑल द एक्टिविटीज इन योर बुक। Do activity at page number 86 and do check up. Alhamdulillah students, we are done. We have done our diary for this week. Okay, take care of yourself. Goodbye.